सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी? होप सो सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर के मैजिक क्यूब की ट्रिक, जिसमें आपको एक स्पिन या दो स्पिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा मैजिक क्यूब 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत बंदों की लक होती है क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको नहीं मिल पाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से नहीं मिल पाता है। सो गाइस, मैं सिंपल से ट्रिक बताने वाला हूँ एंड इसमें आपको ज़्यादा कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। सिंपल आपको एक स्पिन मारोगे या दो स्पिन में आपको 100% मैजिक क्यूब मिल जाएगा। सो गाइस, जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस, आपका इन लोग बात स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे मैजिक क्यूब स्पिन के बारे में। सो गाइस, पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ से भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते हो एंड चैनल पे नए हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है? तो यार, अब मैं आपको जल्दी ट्रिक बताता हूँ क्या करना है। तो यार, सबसे पहले जो ट्रिक है उसमें आपको क्या करना है, पहले आपका जो लोड आउट है, ठीक है, उसको सिंपल आपको अनइक्विप कर देना है, ठीक है? तो ये जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर रखा, तो इसको सिंपल आपको अनइक्विप करना है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो भी करेक्टर है यहाँ पे आपको करेक्टर चेंज नहीं करना है। बट यहाँ पे उससे भी पहले एक स्टेप आता है जहाँ पे आपको इस चीज़ का जरूर से ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेटिंग पर आप आ जाओ सिंपल, ठीक है? उसके बाद ये स्टैंडर्ड वाला जो मोड है, सिंपल स्टैंडर्ड वाला, ठीक है, जो बीच वाला देख पा रहे हो स्टैंडर्ड मोड है जो, उसको आप सिंपल सेलेक्ट कर लो। अभी फिलहाल मैं स्मूथ कर लेता हूँ क्योंकि मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर स्टैंडर्ड मैं स्मूथ कर ले रहा हूँ। और अगर आपका डिवाइस लो है, मतलब कि लो स्पेसिफिकेशन का है, तो तब भी आप एक मैच स्टैंडर्ड लगा लो, ठीक है? उसके बाद स्टैंडर्ड लगा के बस एक मैच ही बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बाकी आपको वाले ही एंकर है तो उतना एडजस्ट कर लेना, ठीक है? उसका क्लैश स्क्वाड नॉर्मल वाला लगाना, ठीक है, कलाहारी नॉर्मल लगाना, उसके बाद एक गेम प्ले कर लेना, ठीक है? उसके जैसे ही आप एक गेम प्ले करके आओगे तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला जो है, ठीक है, जहाँ से बाइकर जो डायमंड्स होगा इस सेक्शन पे आना पड़ेगा एंड उसके बाद यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे आना पड़ेगा एंड सिंपल यहाँ पे देखो एक चीज़ दिख रहा होगा डायमंड का, डायमंड रॉयल वाउचर का, ठीक है, लकी वाउचर करके है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसे सिंपल खोलते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर लेना सिंपल, उसके बाद सब्सक्राइब पे ऐसे टैप करो, उसके बाद देखो फिर ऐसे यहाँ पे पेमेंट कैंसिल कर देनी होगी आपको, ठीक है? जैसे कैंसिल करते हैं सिंपल सा, तो यार अभी कैंसिल नहीं हो, तो देखो यहाँ पे आपके पास ऐसा मैसेज आएगा, तो देखो पेमेंट कैंसिल बाय यूज़र, ठीक है? तो यार ऐसे आपको करना होगा, इतना करने के बाद आपको बैक आना होगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अपने लक रॉयल में आना पड़ेगा और लक रॉयल पे आने से पहले एक स्टेप और यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो यहाँ पे करेक्टर है ना भाई, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देना, जैसे आप गेम खेल लेते हो एंड मेंबरशिप वाला वो कर लेते हो, जरूर से सारी ट्रिक फॉलो करना तभी वर्क करेगा, फिर बाद में कमेंट सेक्शन में आके मत बोलना कि भाई ट्रिक नहीं वर्क की, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखो फॉल्ड एक करेक्टर आता है, जहाँ पे आपको पता होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे फॉल्ड कहाँ है भाई, फोर्ड कहाँ है, तो ये देखो ये फोर्ड रहा ना, तो हाँ तो ये आपको लेना है एंड सिंपल आपको उसको बाई कर लेना, नहीं है तो आपके पास तभी ट्रिक वर्क करेगी, नहीं तो आपके पास आई थिंक सो होगा, फिलहाल मेरे पास तो नहीं है क्योंकि भाई मैं इसे लेके खेलता नहीं हूँ। तो यार सिंपल आपको इसको क्या करना है कि यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद सिंपल बैक आ देना। मैं इससे सेलेक्ट नहीं किया हूँ तो आप ये मत करना कि इसको सेलेक्ट ज़रूर से करना, जितना भी इससे बताया मैंने उसको फॉलो नहीं किया बट आप ज़रूर से करना। उसका सिंपल यहाँ पे पीरियड व्हील में आ जाओगे, लक रॉयल खोल के यहाँ पे गोल्ड रॉयल में आना, एक एक का स्पिन मारना सिंपल का, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एक का स्पिन मारता हूँ मैं, उसका डायरेक्ट ऐसे क्लिक कर देना, ठीक है, एक का स्पिन हो चुका। अब उसके बाद क्या करना होगा, आपको सिंपल बैक आना पड़ेगा, उसके बाद फिर स्टोर पर आना पड़ेगा, उसके बाद जरूर से ट्रिक फॉलो करना अगर निकालने वाले हो तो, यार क्योंकि ज़्यादातर बंदों का स्ट्रेस से निकल जाता है एंड मेरा एंड मेरे फ्रेंड का भी बहुत ही जल्दी निकल जाता है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आइटम सेक्शन पे आना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास डायमंड है एक तो आप इससे परचेज कर सकते हो ये डायमंड वाला, बाकी तो नहीं आपको यहाँ से गोल्ड वाला भी तीन चार चीज़ परचेज कर लेना। उसके बाद सिंपल रेडियम सेक्शन पे आना, उसके बाद रेडियम सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पर जितने बंडल्स आपको दिख रहे हैं सिंपल आपको ऐसे ऐसे टैप करना पड़ेगा, ठीक है? सारे बंडल्स पे एक एक बार ऐसे ऐसे करके टैप करना, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको सिंपल टैप करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे सारे बंडल पे टैप कर लेना, जितने भी बंडल इधर एक एक करके सारे बंडल्स को टैप कर लेना, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्या करना, क्यूब फ्रैगमेंट पे आना, ठीक है? उसका तीन से चार बार यहाँ पे टैप मारना, उसके बाद सिंपल आना बैक करना, उसका लक रॉयल में आना, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा आपको, देखो यहाँ पे आपको फिर गोल्ड रॉयल पे आना पड़ेगा, फिर एक का स्पिन मार दो, उसके बाद यहाँ पे फिर एक का स्पिन मारो, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आपको सिंपल वेपन रॉयल पे, सॉरी डायमंड रॉयल पे आ जाओ, उसके बाद यहाँ पे फिर जैसे ही आप एक डायमंड रॉयल वाउचर का स्पिन मारोगे सो गाइस आपको तुरंत मिल जाएगा। बट गाइस यहाँ पे एक सिचुएशन है, ठीक है, दो अगर आप देखो एक से दो स्पिन मारना, तीन स्पिन मारना, अगर आपको नहीं निकलता है तो ऐसा नहीं कि आप सारे वाउचर्स उड़ा दो अपने, क्योंकि बाय द वे अगर आपकी लक नहीं अच्छी हुई तो आपको फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रिक को वर्क करना होगा तो दो से तीन स्पिन में वर्क कर जाएगी, ठीक है?
और यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे सिंपल देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा यहाँ पे कि 13 वाउचर है। अगर आपके पास मैजिक क्यूब होगा एक तो ठीक है, मतलब आपके पास ऑलरेडी एक मैजिक क्यूब पड़ा है तब ये ट्रिक नहीं वर्क करेगी, बट बाकी अगर आपके पास 0 मैजिक क्यूब है तब आप ये ट्रिक 100% वर्क करेगी ठीक है। तो उसको जरूर से ट्राई करना, 99% चांसेस है कि ज़्यादातर बंदों को निकल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।